नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र राज्य में सत्ता में आए हुए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार को 4 महीने हो चुके हैं। 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण की थी। पहले मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन दूसरे मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर शिंदे और फडणवीस की सरकार पक्ष के निशाने पर बनी हुई है। दावा किया जा रहा है महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से कि 6 महीने के अंदर ये सरकार गिर जाएगी। दरअसल दूसरे मंत्रिमंडल का गठन अगर नहीं हुआ और ना ही शिंदे गुट के जो विधायक है जो अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया गया, तो डेफिनेटली सी बात है ये सरकार गिरती हुई दिखाई दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर 29 नवम्बर के दिन सुप्रीम कोर्ट अपना अगला फैसला सुना सकती है। लेकिन इसी बीच यहां पर शिंदे और फडणवीस की सरकार उद्धव ठाकरे गुट को कई बड़े झटके देती हुई नजर आ रही है। जी हां, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से शिवसेना के उद्धव गुट की ही जीत होगी। और वहीं संजय राउत ने कह दिया है कि एमवीए की तरफ से यहां पर मुख्यमंत्री चुना जाएगा महाराष्ट्र में। जी हां, लेकिन इसी बीच यहां पर विधायक आदित्य ठाकरे को बेहद बड़ा झटका मिल चुका है। दरअसल कई परियोजनाएं जो महाराष्ट्र के हाथों में आई थी वो अब उनके हाथों से निकल चुकी हैं, यानी कि शिंदे और फडणवीस के सरकार के हाथों से निकल चुकी हैं, जिसको लेकर आदित्य ठाकरे लगातार यहां पर शिंदे और फडणवीस पर निशाना साधते हुए नजर आए। लेकिन अब करोड़ों का ड्रीम प्रोजेक्ट जो रहा आदित्य ठाकरे का, उस पर रोक लगा दी गई है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। हाल ही में एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने सत्ता से इस्तीफा दे दिया और गठबंधन की सरकार बन गई, यानी कि शिंदे गुट और बीजेपी की जो सरकार बनी, और अब यहां पर आदित्य ठाकरे को बेहद बड़ा झटका दे दिया गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि अब ठाकरे ने आर्य कॉलोनी में ही मेट्रो कार शेड बनाने का फैसला कर सरकार को पहला झटका दिया, तो वहीं उसके बाद एक के बाद महाविकास अघाड़ी सरकार के फैसलों को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद महाविकास अघाड़ी में एनसीपी नेताओं के काम पर रोक कर करोड़ों की धनराशि ले ली गई। लेकिन अब आदित्य ठाकरे जो पर्यटन विभाग के मंत्री रह चुके हैं और पर्यटन विभाग के फंड को शिंदे सरकार ने अब जहां एक तरफ ब्लॉक कर दिया था, वहीं दूसरी ही तरफ अब शिंदे सरकार ने शहरी विकास विभाग द्वारा स्वीकृत 941 करोड़ रुपए के कार्यों पर रोक लगा दी थी। लेकिन इसमें से 245 करोड़ के विकास कार्य अकेले बारामती नगर परिषद में रहे। शिंदे सरकार ने नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार को भी बेहद बड़ा झटका दे दिया है इन फंड पर रोक लगाकर। इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर आदित्य ठाकरे का जो ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, उस ड्रीम प्रोजेक्ट के चलते यहां पर अब सियासत तेज हो सकती है। आपको बताते चलें कि एकनाथ शिंदे सरकार ने पिछले 15 महीनों में स्वीकृत निविदाओं और कार्य आदेशों को वापस लेने के बाद शुरू नहीं करने वाले कार्य को निलंबित करने का फैसला कर लिया है। और इसके अलावा अलग अलग निगमों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्तियां भी रद्द कर दी गई हैं और अब शिंदे सरकार का पैसा आदित्य ठाकरे के पर्यावरण मंत्रालय में भेज दिया गया है। और ठाकरे सरकार की कोशिश क्षेत्रीय पर्यटन योजना के तहत कारवा नीति और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की रही थी। इस तरीके से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे ने आदित्य ठाकरे को बेहद बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने बीते पिछले समय से लेकर अब तक जो फैसले लिए हैं और कई ड्रीम प्रोजेक्ट पर उन्होंने रोक लगा दी है, और इसी के चलते कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे को बेहद बड़ा झटका लगा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आदित्य ठाकरे क्या कुछ अहम फैसला लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।